आप सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो आप अपने हर काम को सर्वश्रेष्ठ ढंग से करें। सर्वश्रेष्ठ ढंग से करने का मतलब ये हुआ कि अगर आप सो रहे हैं तो भी आप सर्वश्रेष्ठ ढंग से सोएं, खाना खा रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ ढंग से खाना खाएं, पानी पी रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ ढंग से पानी पिएं, किसी से बात कर रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ ढंग से बात करें, घर के अंदर किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, तो सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यवहार करें, बातचीत सर्वश्रेष्ठ ढंग से करें। जैसे कि मान लीजिए आपको अपने बेटे से या बेटी से एक गिलास पानी मांगना है तो आप कैसे सर्वश्रेष्ठ ढंग से मांगेंगे, बेटा प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी दीजिए, मुझे पीना है। ये सर्वश्रेष्ठ व्यवहार हुआ, मतलब प्यार से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके आप बोलिए। दूसरा जो असर्वश्रेष्ठ होता है, यानी कि बहुत ही थर्ड क्लास की हरकत में आप बात कर सकते हैं, अबे वही एक गिलास पानी ले आ, तो ये आपका बहुत ही बुरा व्यवहार माना जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो व्यवहार है वो गंदा हो जाएगा, आपकी बोली से आपका व्यवहार पता चलता है और आपके व्यवहार से आपके विचारों का पता चलता है और आपके विचारों से ही आपकी पहचान बनती है। अगर आपके विचार सर्वश्रेष्ठ हैं तो डेफिनेटली लोगों की नज़र में आप एक अच्छे इंसान के रूप में जाने जाएंगे। मतलब कि घर के अंदर, बाहर, कहीं भी आपका वो व्यवहार प्रकट हो जाएगा। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ ढंग से चलाइए, आपके पास DL होना चाहिए, गाड़ी के पेपर होने चाहिए, RC होनी चाहिए, आपके पास उसका इंश्योरेंस पेपर होना चाहिए, चलाते समय हेलमेट होनी चाहिए, साइड में चलाएं, जहां भी कहीं मोड़ लेना है लेफ्ट राइट तो आप इंडिकेटर से का इस्तेमाल करें, आप आराम से गाड़ी चलाएं, बिल्कुल ही कम स्पीड में चलाएं, जिससे कि रास्ते पे दूसरे जो चलते हैं उनको दिक्कत ना हो। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे बेढंग तरीके से बाइक चलाते हैं कुछ लोग, बच्चे खासतौर पर जो नए उम्र के बच्चे होते हैं, और मतलब ये कहें कि उनकी परवरिश अच्छी नहीं होती है, उनको संस्कार अच्छे नहीं मिले होते हैं, वो बहुत ही बददिमाग के होते हैं, तो गाड़ी जब चला रहे होते हैं तो आपके पड़ोस से, बगल से तेज़ी से निकालते हैं गाड़ी, झूम से आवाज़ करते हुए, और अचानक आप डर जाते हैं और गाड़ी को ऐसे घुमा घुमा के चलाते हैं, उससे भी रास्ते पर चलने वाले दूसरे लोगों को डिस्टर्ब होता है, डरते हैं लोग, डर जाते हैं और कई बार तो एक्सीडेंट भी हो जाता है उनके इस व्यवहार से। तो क्या है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो सर्वश्रेष्ठ ढंग से चलाइए। अगर आप गृहिणी हैं, खाना पका रही हैं, तो आप खाने को सर्वश्रेष्ठ ढंग से पकाइए, खुश होकर, चेहरे पे स्माइल करके, सारे गम चिंता दूर करके, रिलैक्स होकर, शांत होकर, खुश होकर खाना पकाइए, और उस समय अच्छी अच्छी बातें सोचिए। बहुत लोग बहुत ढेर सारे तनाव में होते हैं, झगड़ा हुआ रहता है या ईर्ष्या में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, वो लोग खाना पकाते समय वो नेगेटिव बातें सोचते रहते हैं, सास बहू या जेठ जेठानी या जेठानी देवरानी आपस में वो जो लड़ाई हुई रहती है घर के अंदर, उन बातों को लेकर दिमाग में चलाते हैं और बड़बड़ाते हुए कि तुमने ऐसा कहा, मैं भी ऐसा करूंगी, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे मेरा अपमान किया, तुमने ज़्यादा ले लिया, ये सब सोचते हुए, झगड़े की बातें सोचते हुए, नेगेटिव बातें, गुस्से की बातें सोचते हुए खाना पकाएंगे तो खाना श्रेष्ठ नहीं होगा। मतलब उसमें गंदी चीज़ें चली जाएंगी, नेगेटिव चीज़ें चली जाएंगी और वही सभी लोग खाएंगे। अगर आप खाना पकाते समय रिलैक्स रहते हैं, खुश रहते हैं, शांत रहते हैं और अच्छी अच्छी बातें सोचते हुए, जैसे कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खाना बहुत अच्छा पकाती हूँ, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत संस्कारी हैं, सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं, खाने को खाएंगे, सभी का जीवन चलेगा, जीवन अच्छा होगा, उनको जीवन प्राप्त होगा और मेरे बच्चे खाएंगे या हस्बैंड या सास ससुर जो भी जेठ जेठानी जो भी है, वो खाने मेरे हाथ से बना हुआ खाना उनको पसंद आता है, स्वादिष्ट भोजन बनेगा। जब आप इस तरह से प्रेयर करते हैं, ईश्वर से भी प्रेयर करते हैं, हे ईश्वर
मुझे शक्ति प्रदान करो, यानी कि मुझे सद्बुद्धि प्रदान करो कि मैं भोजन को स्वादिष्ट बना सकूं। उसके बाद से अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन देते हुए खाना पकाइए। देखिए वही खाना बहुत स्वादिष्ट बनेगा, सब लोग आएंगे, तो आपके जितने भी काम हैं वो सर्वश्रेष्ठ ढंग से होने लग जाएंगे ऑटोमेटिक। जब आपके सारे काम सर्वश्रेष्ठ ढंग से होंगे, और आपको मालूम है कि जब आपके काम सर्वश्रेष्ठ ढंग से होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके विचार सर्वश्रेष्ठ हैं, तभी आप काम सर्वश्रेष्ठ कर पाएंगे। और आपका काम ही आपका व्यवहार है, और आपका व्यवहार आपको वैसा बनाता है समाज के अंदर, आपको बता कर कि मैं अच्छी हूँ या अच्छा हूँ सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। आपके बताने से नहीं होगा, आपके व्यवहार से, आपके कर्म से, आपके विचार से, आपके एटीट्यूड से, आपकी पर्सनालिटी से, जो आप व्यवहार कर रहे हैं एवरीडे, उसी से आपका व्यक्तित्व निखर के आएगा, उसी से आपकी इमेज क्रिएट होगी लोगों की नज़र में। लोगों की नज़र में आप अच्छा बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, हर कोई अच्छा बनना चाहता है, तो बनना चाहता है तो आपको वैसा करना पड़ेगा जैसा हमने बताया। और ऐसी ही और डीप बातें जो कि डेली रूटीन में अप्लाई करने वाली बातें हैं, हम आपको हर बार अगली वीडियो में देने वाले हैं। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, और बेल के आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि हर बार जो वीडियो अपलोड होगी वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ बदलिए। थैंक यू।